क्या होती है शव साधना, कई जगह इन्हें शमशान साधना भी कहते हैं। मित्रों, आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। शव साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जिसमें मुर्दा हो जाता है, जिंदा और अघोरी के इशारों पर करने लगता है का। आधी रात के बाद का समय घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय जीव जंतुओं की रहस्यमय आवाजें मन में डर भी पैदा करती हैं। घोरिय घोरी तांत्रिक श्मशान में जाकर तंत्र क्रियाएं घर साधनाएं करते हैं। शव साधना को तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे गुप्त अनुष्ठानों में एक माना जाता है। ये अनुष्ठानिक तौर पर भारत की बहुत प्राचीन विद्या मानी जाती है। किताबें लिखती हैं कि अघोरी जिस शव के जरिए साधना करते हैं उसके चयन के भी मापदंड होते हैं। शव साधना को लेकर देश से विदेश तक कई लेखकों ने किताबें लिखी। मुख्य तौर पर इस तरह की साधना बनारस के गंगा के घाटों पर ज्यादा की जाती हैं। आखिर क्या होता है आधी रात के बाद श्मशान में? हमारे मन में कई बार यह सवाल आते हैं। आप आज यह भी जान जाएंगे श्मशान साधना क्या होता है, उनके फायदे और नुकसान क्या है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस चैनल पर बहुत रिसर्च करने के बाद सही जानकारी आपको दिया जाता है। साधना के लिए साधक को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी आधी रात के बाद श्मशान साधना करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु सामान्य साधकों के लिए खास मुहूर्त में ही साधना करने का विधान है। साधना के लिए भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि श्मशान साधना में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोग चढ़ाने की प्रथा है। शव साधना यानी शव के माध्यम से शिव को साधना तांत्रिकों द्वारा की जाती है। साधना दोस्तों, जहां दिन के उजाले में इंसान को जाने से भी रूह कांपती है, वहीं लगता है अघोरी तांत्रिकों और आत्माओं और शवों का मेला, और होती है शव की साधना। कुछ रहस्यमयी और डरावने सच आप भी जानिए। अघोरियों द्वारा खास तौर से श्मशान में तीन प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जिनमें श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना शामिल हैं। प्रमुख रूप से इन साधनाओं को अघोरी प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, तारापीठ, बगुलामुखी या भैरव आदि स्थानों पर करते हैं। इन साधनाओं को करने के अलावा संसार में इनका कोई और लक्ष्य नहीं होता, और साधना के बाद या अन्य समय में ये अघोरी हिमालय के जंगलों में निवास करते हैं। यह अघोरी गांव और शहर में आपको नहीं मिलेगा। इन्हें साधारण तौर पर देखा भी नहीं जा सकता, नहीं ये अघोरी तांत्रिक समाज में शामिल होते हैं, परंतु सिंहस्थ या कुंभ के समय इनके दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। शव साधना का अर्थ है श्मशान में स्वयं के शरीर की अनुभूति को शव के समान निहसत्व करके अपने उद्देश्य की मानसिक रूप से साधना करना है। अघोरियों द्वारा की जाने वाली श्मशान साधना में श्मशान को जगाकर साधना की जाती है। दोस्तों, शव साधना के लिए किसी शव का होना आवश्यक है। अघोरी यदि पुरुष है तो उसे साधना के लिए स्त्री के शव की आवश्यकता होगी, और यदि अघोरी स्त्री है तो शव साधना के लिए पुरुष का शव आवश्यक है, परंतु शव का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि शव किस श्रेणी का है। किसी चांडाल का शव शव साधना के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। अनुष्ठान के अंत में शव को रस्सी के बंधन से मुक्त किया जाता है, फिर से स्नान कराया जाता है, शव को किसी जलाशय में दफनाया या विसर्जित किया जाता है, पूजा की सभी सामग्री भी जल में प्रवाहित कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रस्सी खोलने और शव के विसर्जन से अनुष्ठान के दौरान संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। कहा जाता है कि शव साधना आसान नहीं है। इस साधना को करते समय श्मशान में कई दृश्य और अदृश्य बाधाएं आती हैं, जिन्हें हटाना एक सिद्ध और जानकार अघोरी अच्छी तरह से जानता है। साधना के पूर्व ही अघोरी को संबंधित स्थान को भूत प्रेतों और अन्य बाधाओं से सुरक्षित रखना होता है।
ताकि वे साधना के बीच में विघ्न पैदा न कर सके। इसके लिए अग्नि तो होती ही है। अघोरी मंत्रोच्चार करते हुए आसपास एक लकीर खींचते हुए एक घेरा बनाता है और साथ ही तुतई बजाता है, जिससे भूत प्रेत या कोई भी बाधा प्रवेश न कर सके। इसके बाद विधि विधान से साधना आरंभ की जाती है। जिस शव की साधना की जानी है उसे स्नान करवाकर कपड़े से पोंछकर उस पर सुगंधित तेलों का छिड़काव किया जाता है। लाल चंदन का लेप किया जाता है। शव के उदर पर यंत्र बनाकर उदर पर बैठकर यह साधना की जाती है। साधना में लगातार मंत्रोच्चार और क्रिया जारी रहती है। शव साधना में विशेष बात यह है कि यह साधना उपयोग किए जा रहे शव की मर्जी से होना आवश्यक है, अन्यथा यह मुसीबत भी बन सकती है। तंत्र के जानकार कहते हैं कि शव साधना का उद्देश्य कुंडलिनी को परम शिव के साथ एकजुट करना है। अनुष्ठान एक शव का उपयोग करके किया जाता है, जिसे पारंपरिक हिंदू धर्म में अत्यधिक अशुद्ध और अशुभ प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अनुष्ठान अभ्यासकर्ता के मन से मृत्यु के भय को मिटा देता है। इसमें शव के जरिए मृतक की आत्मा को काबू में करके उसे माध्यम बनाकर काम कराया जाता है। लेखक आंद्रे पैडॉक्स शव साधना की व्याख्या काले जादू के रूप में करते हैं, जो बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। शाक्त कथाओं में कहा गया है कि शव के मुंह में सुपारी डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा जाता है, उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है, 64 योगिनियों और दिशाओं की पूजा की जाती है, फिर अभ्यासकर्ता शव पर ऐसे चढ़ता है जैसे कोई घोड़े पर बैठता है। कहा जाता है कि इस अनुष्ठान में साधक मुर्दे को जीवित करता है। अगर इस क्रिया को करते हुए साधक भयभीत हो जाता है तो वो पागल हो सकता है, लेकिन जिसने इसे कर लिया वो गुप्त शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति सिद्धियाँ जरूर हासिल कर लेता है, लेकिन ये उसके पतन का कारण भी बन सकती है। क्या आप जानते हैं कैसे होती है साधक की रक्षा? चारों दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु बटुक भैरव योगिनी और श्री गणेश की आराधना भी की जाती है। भैरव और भैरवी की साधना भी इसमें आवश्यक मानी जाती है। वहीं सभी दिशाओं के दिक्पाल की आराधना भी आवश्यक है। भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे की बलि देने के साथ ही शराब चढ़ाना भी अनिवार्य होता है। शव को भी यह चीजें अर्पित की जाती है। कुछ ही समय में देखते ही देखते यह भोग समाप्त हो जाता है। इस साधना के पूर्ण होते होते मुर्दा या शव भी बोलने लगता है, सड़क मुर्दे से बात करने लगती है। साधना पूर्ण होने पर साधक वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह शव साधना कर रहा था। आधी रात बीतते बीतते शव की आंखें भी विचलित होने लगती है और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन भयावह और खतरनाक दृश्यों को देखते हुए भी साधक का मन लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। उसे मंत्रोच्चार जारी रखने होते हैं ताकि साधना को पूर्ण किया जा सके। मित्रों, जिस साधक या अघोरी बाबा को शव साधना सिद्धि प्राप्त हो गया है तो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकता है। किसी हरे भरे पेड़ को भी एक झटके में सुखा सकता है। देखा जाए तो अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के रहस्यों को बता पाना आसान नहीं है। वजह, अघोरियों से मिलना ही दुर्लभ है। ये किसी को मिलते ही नहीं है। जिन जगहों पर जाने से इंसान बचता और डरता है, वही जगह अघोरियों के लिए सबसे मुफीद होती है। जैसे श्मशान और श्मशान की राख, अघोरियों की साधना बेहद कठिन व दुर्लभ होती है।